हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स पे अप। लेट्स पे अप में मैं इमरान आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले प्रेशर गेज सिलेक्शन कैसे करते हैं हाइड्रो टेस्ट के लिए, और इसका हाइड्रो टेस्ट के लिए प्रेशर गेज का अरेंजमेंट किस तरह से होना चाहिए कि ताकि हम हमारा जो हाइड्रो टेस्ट कर रहे हैं और जो हम प्रेशर टेस्ट कर रहे हैं इक्विपमेंट पे, वो हमारा सेफली कम्प्लीट हो जाए और हमें कोई दिक्कत इसमें फेस ना करना पड़े। इसलिए हम आज के टॉपिक में प्रेशर गेज सिलेक्शन किस तरह से करना है और उसका अरेंजमेंट कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस करने वाले। ये काफी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलेंगे काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए। कोई भी आप जब भी आप आपके वर्कशॉप में हाइड्रो टेस्टिंग कैरी आउट करते हैं यानी कि प्रेशर टेस्ट करते हैं, तो उस वक्त आपको ये पैरामीटर्स पता होना चाहिए उसको हाइड्रो टेस्टिंग को करने से पहले, ताकि आप आपका जो टेस्टिंग एरिया है वो सेफ रहे, आप सेफ रहे और आपके बाकी सारे लोग भी सेफ रहे। तो बेसिकली हाइड्रो टेस्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये जो दो चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर गेज हमें जो लगानी है हाइड्रो टेस्टिंग के लिए वो किस रेंज की लगानी है और इसका अरेंजमेंट किस तरह से होना चाहिए, जिससे कि ये सेफली और हमें एक्यूरेट रीडिंग मिल सके और हमारा जो हाइड्रो टेस्ट है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करने वाले कि हमें प्रेशर गेज किस तरह से सिलेक्ट करना है, यानी कि उसकी रेंज क्या रखना है और हमें उसका अरेंजमेंट किस तरह से रखना है। तो बेसिकली अगर आपको पता होगा, अगर आपने इससे पहले प्रेशर टेस्टिंग अगर किया होगा तो हाइड्रो टेस्टिंग किया होगा, तो आपको पता होगा कि इस तरह से एक अगर हमारा वेसल है तो हम इसमें क्या करते हैं, एक अपर साइड को एक इंडिकेटर लगाते हैं प्रेशर इंडिकेटर, और लोअर साइड के नोजल पे हम प्रेशराइज करने का अरेंजमेंट लगाते हैं, यानी कि हाइड्रो पंप लगाते हैं और ऊपर जो होता है हमारा प्रेशर इंडिकेटर्स होता है। तो इस तरह से हमारा बेसिक अरेंजमेंट हमारा हाइड्रो टेस्टिंग के लिए होता है। तो पर अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हमें गेज लगाना होता है, तो सबसे पहले आप बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं कि हमें जो गेज लगाना है वो किस रेंज का लगाना है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आपको जो गेज सिलेक्ट करना है यानी वो इंडिकेटर पे जो आपको गेज लगाना है वो गेज किस रेंज का लगाना है, तो उसके बारे में बेसिकली हम अभी डिस्कस करने वाले। तो आपको जो प्रेशर वेसल का गेज सिलेक्शन करते हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई लगने वाली है तो वो सबसे पहले आपको हाइड्रो प्रेशर का यानी कि हाइड्रो टेस्ट प्रेशर आपको पता होना चाहिए। हाइड्रो टेस्ट प्रेशर आपके वेसल आप कितने प्रेशर पे टेस्ट करना चाहते हैं, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रो प्रेशर और या तो टेस्ट प्रेशर बोलेंगे, वो कितना चेक करना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, अगर मेरे को 10 PSI हाइड्रो टेस्ट प्रेशर है मेरा, इस इतने टेस्ट प्रेशर पे अगर हमें मेरा इक्विपमेंट टेस्ट करना है तो हम इसके हिसाब से हम गेज किस तरह से सिलेक्शन करेंगे वो देखेंगे। अगर आपको जब गेज सिलेक्शन करना है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो आपने अगर देखा होगा तो प्रेशर गेज के अंदर नॉर्मली तीन दो रीडिंग शो करते हैं, क्या अगर देखोगे तो केजी पर सेंटीमीटर में और PSI में, दोनों में मार्किंग शो की होती है ताकि आप अगर केजी पर सेंटीमीटर में भी मेजर कर रहे हो तो आपको रीडिंग दिखे और PSI में भी कर रहे हो तो रीडिंग दिखे। तो बेसिकली इस तरह का अपना प्रेशर गेज के अंदर लिमिट होता है। अभी अगर प्रेशर गेज में देखो तो आपको यहाँ पे एक मिनिमम प्रेशर रेंज होता है और मैक्सिमम प्रेशर रेंज होता है, यानी कि क्या है कि आप मिनिमम कितना प्रेशर मेजर कर सकते हो और मैक्सिमम कितना प्रेशर मेजर करते हो, ये आपके प्रेशर गेज में अवेलेबल होता है। तो अभी जब भी हम प्रेशर गेज सिलेक्शन करेंगे हमारी हाइड्रो टेस्टिंग के लिए, तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमें किस रेंज का गेज लगाना है ताकि हमारा जो रीडिंग से वो एक्यूरेट और सही हमें शो करे, उसमें कोई डिफिकल्टी ना आए। यानी कि क्या होगा, हमें कम से कम कितने प्रेशर का गेज लगाना है और मैक्सिमम कितना प्रेशर का गेज लगाना है। ऐसा ना हो कि हम जो गेज लगाने वाले हैं वो बहुत ही कम रेंज का लगाए और हमारा प्रेशर वहां पे सही से इंडिकेट हो ही ना, और ऐसा भी ना हो कि हम अपना प्रेशर गेज काफी ज्यादा वैल्यू का लगाए और वो भी सही से इंडिकेट हमें ना दे। तो अगर आप कम रेंज उसके लोअर लिमिट से कम वाला प्रेशर गेज लगाओगे तो वो रिस्की हो सकता है, और अगर आप मैक्सिमम लगाओगे तो वो एक्यूरेसी आपको जो डिजायर्ड है यानी कि वो आपकी श्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आपका काफी हायर रेंज का है तो आपका जो इंडिकेशन है वो काफी कम स्मॉल डिजिट में होगा, यानी कि आपको अच्छे से उसका रीडेबल भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, जब भी हम प्रेशर गेज सिलेक्शन कर रहे हैं तो हम इसका मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है, उसके बाद हम प्रेशर गेज सिलेक्शन करते हैं। तो अगर आप देखोगे, अगर हमें इसका मैक्सिमम और लोअर लिमिट अगर हम देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर लोअर लिमिट अगर हमें प्रेशर गेज का देखना है तो वो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि आपको मिनिमम 1.5 टाइम्स इसका टेस्ट प्रेशर यानी कि जो कि हाइड्रो टेस्ट प्रेशर हम जिसको बोलेंगे ये वाला, ये रखना है। यानी कि जो भी आप प्रेशर गेज सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आप लोअर रेंज है यानी सबसे कम रेंज है 1.5 टाइम्स टेस्ट प्रेशर, और इसको आप बोल सकते हैं हाइड्रो टेस्ट प्रेशर भी बोल सकते हैं, ये लिखना है। और इसका जो हाइयर रेंज है जिसको हम बोलेंगे अपर लिमिट भी बोल सकते हैं, अपर लिमिट या तो हाइयर रेंज, ये हमारा मैक्सिमम 4 टाइम्स हमें
टेस्ट प्रेशर या तो हाइड्रो टेस्ट प्रेशर रखना है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसकी रेंज निकालने के किस रेंज की गेज हमें लगानी है। तो अगर आप देखो तो मैंने अगर 10 PSI का एक एग्जांपल लिया हुआ, तो इसके हिसाब से अगर मैं अपना लोअर रेंज और लोअर लिमिट अगर देखू तो ये आएगा अराउंड 15 PSI। अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 15 PSI आ जाएगा। और अगर आप इसका हायर लिमिट देखोगे तो हायर लिमिट या तो आप इसको बोल सकते हैं अपर लिमिट आएगा 4 times, यानी कि आ जाएगा 40 PSI। तो जब भी आप प्रेशर के सिलेक्शन करो, अगर आप 10 PSI के लिए सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका प्रेशर गेज है वो मिनिमम 50 PSI का होना चाहिए। इससे छोटा रेंज दिखाने वाली गेज आपको नहीं लगानी है, और मैक्सिमम आपको 40 PSI, यानी कि यहाँ पे जो मेरे एग्जांपल के हिसाब से बोला, यानी कि आपको मिनिमम ये देखना है कि आपने लोअर लिमिट 1.5 टाइम टेस्ट प्रेशर से कम की लिमिट वाली गेज नहीं लगानी है, और 4 टाइम से ज्यादा की गेज वाली नहीं लगानी है। यानी कि इस केस में अगर हम हर एग्जांपल के हिसाब से देखें, तो अगर हम 10 PSI के टेस्ट प्रेशर के हिसाब से देखें, तो हमें लोअर रेंज रखना है 15 PSI और मैक्सिमम रखना है 40 PSI। यानी हमें जो गेज सिलेक्ट करनी है वो गेज इस तरह से सिलेक्ट करनी है कि वो 15 PSI से कम प्रेशर दिखाने वाली हमारी गेज नहीं होनी चाहिए। यानी ये जो हम इंडिकेटर्स पे जो गेज लगाने वाले हैं उसका सबसे कम अगर हम देखें तो यानी 15 PSI से कम रीडिंग शो करने वाली हमें गेज नहीं लगानी है, क्योंकि ये सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से ठीक नहीं है। तो इस तरह से लोअर लिमिट का ध्यान रखना है, और उसी तरह से हायर लिमिट का हमें क्या करना है, इसका जो मैक्सिमम रेंज है, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ कि आपको गेज ध्यान में रखना है। आप यहाँ ये नहीं कंसिडर करके मिनिमम बोला है तो मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम इतना होना चाहिए। हम डिस्कस कर रहे हैं गेज की लोअर लिमिट, यानी कि हमें 15, अगर हम 10 PSI का टेस्ट मेजर करने वाले हैं तो हमें इस तरह का गेज लेना है कि जो 15 PSI से कम का अगर प्रेशर शो करने वाली, यानी कि प्रेशर गेज का जो मैक्सिमम रेंज है शो करने का, अगर आपका प्रेशर गेज मैक्सिमम 15 PSI से कम वाला है तो आपको वो गेज को यूज नहीं करना है। तो और आपको 40 PSI से ज्यादा रीडिंग दिखाने वाली गेज भी नहीं यूज करना है। तो यानी कि आपको जो गेज लेना है वो इस तरह से लेना है कि वो 15 PSI से ज्यादा हो और 40 PSI से कम हो। तो इस तरह से आपको गेज सिलेक्शन करना है। ये इसलिए बेसिकली इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसलिए होता है कि अगर आप लोअर लिमिट का गेज लगाओगे तो क्या होता है, उससे आपकी प्रेशर गेज खराब होने के चांसेस रहते हैं, और वो ब्रस्ट भी हो सकती है, यानी कि खराब भी हो सकती है, या तो एक्सीडेंट भी होने का एक चांसेस है। तो इसलिए हमें लोअर लिमिट का गेज नहीं लगाते, और हायर लिमिट का इसलिए नहीं लगाते कि अगर आप ज्यादा ही, यानी कि जो आपको मेजर करना है उससे कई गुना ज्यादा ही अगर लिमिट का गेज लगा दोगे तो आपकी जो रीडिंग्स आएगी वो इतनी स्मॉल आएगी कि आपको अच्छे से रीडेबल भी नहीं होगी। यानी कि अगर आपको सिर्फ 10 PSI मेजर करना है और अगर आप 100 PSI का गेज लगा दोगे तो आपकी रीडिंग यही से इतनी नजदीक आएगी कि आप अच्छे से रीडेबल भी नहीं कर सकते, और वो एक्यूरेसी के हिसाब से ठीक भी नहीं। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप हाइड्रो टेस्ट प्रेशर कर रहे हैं तो आपको प्रेशर के सिलेक्शन करते हो ये चीज ध्यान रखना है कि इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में आपको प्रेशर गेज सिलेक्शन करना है। तो ये है बेसिकली हाइड्रो टेस्ट या तो प्रेशर टेस्ट सिलेक्शन के लिए प्रेशर गेज किस तरह से सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। अभी हम इसको देखेंगे इसकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है। जो हमें क्या आपको गेज तो पता चल गया, पर हमें अभी इसके सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से क्या हमें अरेंजमेंट भी देखना है कि हमारे प्रेशर टेस्ट करने के लिए अरेंजमेंट या तो हाइड्रो टेस्ट करने के लिए हमें गेजेस की अरेंजमेंट किस तरह से रखना चाहिए ताकि हम सेफली हमारा टेस्ट कंप्लीट कर सके और हमें कोई दिक्कत भी नहीं आए इन बिटवीन हमारी हाइड्रो टेस्ट के प्रेशर के लिए। अभी हम इसकी प्रेशर गेज की अरेंजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जिस तरह से मैंने प्रीवियस में बताया था आपको अगर पता होगा, तो हम जब भी टेस्ट करते हैं तो इस तरह से हम हायर साइड पे हम क्या करते हैं इसका प्रेशर इंडिकेटर इस साइड लगाते हैं और लोअर साइड से हम प्रेशराइज करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जब भी हम हाइड्रो टेस्टिंग करते हैं इसको लोअर साइड पे हम प्रेशराइज करते हैं और हायर साइड पे इंडिकेटर्स लगाते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल आप सबको पता ही होगा, उसी से मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जब भी आपको प्रेशर गेज की अरेंजमेंट इस तरह से करना है कि आप जब यहाँ पे गेज लगाए तो आपको 2 गेजेस की अरेंजमेंट करनी है। तो बेसिकली अगर मैं आपको समझाने जाऊँ तो अगर आपको देखो तो 1 गेज यहाँ और 1 गेज यहाँ करके आप इस तरह का एक अरेंजमेंट बना सकते हैं कि 2 पाइप को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद एक यहाँ पे ये आपका एक्चुअली ये नोजल को लगेगा एक्चुअली यहाँ पे। इस तरह की अरेंजमेंट अगर आप कर सके, अगर ये पाइपिंग सिस्टम अगर आप इस तरह का बना सके तो ज्यादा बेटर। आपको यहाँ पे एक वॉल देना है, ठीक है, ये वॉल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे एक वॉल देना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे भी वॉल दे सकते हो तो बेटर है, या तो आप इन दोनों के इसके बीच में यहाँ पे दे सकते हो। तो बेसिकली आपको जो भी अरेंजमेंट करनी है, या तो आपको आप इस तरह का नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरह का वाई शेप का भी बना सकते हैं, यानी इस तरह का अरेंजमेंट, और यहाँ पे
आपके एक गेज लगा सकते हैं और यहाँ पे एक गेज लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक वॉल लगाने दो कंपलसरी है, हर गेज के पहले आपको वॉल लगाने कंपलसरी है, यहाँ पे वॉल होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक अगर अरेंजमेंट देखे तो आपको इस तरह से अरेंजमेंट बना के रखना है ताकि आपको जब भी आप प्रेशर गेज जब भी आप प्रेशर टेस्ट कर रहे हो तो आपको इसी अरेंजमेंट का यूज करना है। अब मैं बेसिकली आपको इसका फंक्शन समझा देता हूँ और ये ऐसा क्यों हम रखते हैं इसके बारे में समझा देता हूँ। तो बेसिकली आपको आइडिया आ गई होगी कि हमें क्या करना है, जब भी हम प्रेशर इंडिकेटर्स का जो हमारा एरिया वहां पे दो गेजेस शो कर सके इस तरह का अरेंजमेंट बनाना है और उसको दो वॉल भी प्रोवाइड करना है कि गेज के पहले लगाना है। तो अब बेसिकली मैं इसको समझा देता हूं कि ये क्यों करना है। अगर आप देखो तो हम हर प्रेशर वेसल टेस्ट करते हो दो गेजेस इसलिए लगाते हैं कि अगर आप देखो तो दो गेजेस लगाने का बेसिक पर्पज ये होता है कि अगर इन बिटवीन आपने प्रेशर कोई बड़ा वेसल है और आपने प्रेशराइज ऑलरेडी कर दिया है और इस इन द केस अगर आपका कोई प्रेशर केस खराब हो जाता है तो उस केस में क्या सिचुएशन आता है कि आप प्रेशर केस अगर आप खराब हो गया तो आप उस केस में क्या प्रेशर केस को चेंज करने में आपको दिक्कत हो सकती है, यानी कि इन बिटवीन क्या हो सकता है, आपकी गलती नहीं हो सकती। हम दो प्रेशर गेज इसलिए लगाते हैं कि आपकी एक गेज खराब भी होगी हम दूसरी गेज से हमें रीडिंग पता चल जाती है। तो बेसिकली इसका फंक्शन इस तरह से है कि आपको दो गेजेस लगाने का मतलब ये है कि आपको एक गेज फेल भी हो गई तो आपको दूसरी गेज से रीडिंग उसी कंडीशंस में, यानी आपको किसी तरह की चेंजेस करने की जरूरत नहीं। अगर आप एक गेज आपका खराब हो गया है तो आपको पता नहीं लगेगा। बेसिकली दो लगाने का फंक्शन ये है कि आपको क्या पता लगेगा, दोनों रीडिंग अगर सही दिखा रही है तो आप ये कंसीडर कर सकते हो कि जो आपकी अरेंजमेंट है जो आपने प्रेशराइज किया वो सही किया। अगर आप एक ही गेज लगाओगे तो आपको अगर आप कंसीडर कीजिए कि आपका गेज कोई फेल हो जाता है बीच में, यानी कि आपको रीडिंग तो शो कर रहा है पर सही कर रहा है या गलत कर रहा है ये आपको कॉन्फिडेंस या एक्यूरेसी आपको किस तरह से पता चलेगी। अगर आप एक ही गेज लगा के रखे हो तो अगर इस तरह से अगर आपको गेज बीच में ही खराब हो गया, कंसीडर कीजिए कि अगर वो 20 PSI पे आकर रुक गया, यानी कि वहां से आगे ना मूव हो रहा है ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, तो आपको आपको क्या लगेगा कि आपने 20 PSI ही प्रेशराइज किया है, पर हो सकता है उससे ज्यादा प्रेशर गया हो सकता है कम। अगर आपका गेज खराब हुआ तो की केस में बोल रहा हूँ कि ये दो इसलिए लगाते हैं कि दो से क्या पता चलता है, हमें दोनों प्रेशर गेज की रीडिंग पता लग गया। आपको दोनों प्रेशर गेज की रीडिंग सेम आ रही तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो आपने प्रेशराइज किया है और सही प्रेशर पे किया हुआ है। एक लगाने में क्या होता है कि एक लगाने में दिक्कत यह है कि आपको पता नहीं लगेगा आपका गेज खराब हुआ है या नहीं हुआ है। दो लगाने से आपको ये एक्यूरेसी और एश्योरिटी रहती है कि आपका गेज खराब नहीं हुआ, जो आपने प्रेशराइज किया है वो सही प्रेशर पे किया हुआ है और इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट की कोई गुंजाइश नहीं होती, इससे आपको सही रीडिंग्स आ जाती है। अब दूसरा इसमें वॉल्स लग और दूसरा इसका मेन एडवांटेज क्या है, पहले तो एडवांटेज ये है कि इसके आपको एक्यूरेसी लेवल श्योरिटी हो जाती है कि आपको एक्यूरेसी श्योरिटी हो जाती है। तो दूसरा इसका बेनिफिट ये है अगर आप इनकेस आपका कोई एक गेज खराब हो जाता है तो उस केस में क्या है आप दूसरे गेज से रीडिंग आराम से शो दूसरे गेज से आप आराम से रीडिंग ये कर सकते हैं। अगर इन बिटवीन आपको डाउट भी आता है तो आप दोनों गेजेस चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे वॉल लगाने का बेसिक रीजन इसलिए है कि अगर आपको ये गेज चेंज करना है तो उस वक्त आप ये वॉल क्लोज करके यहाँ पे गेज चेंज कर सकते हैं, या तो इसको इस आपको अगर इसको आपका गेज एक ही आपके पास अवेलेबल तो इस वॉल को बंद करके एक ही साइड गेज यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पर आपको स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इस तरह से बनानी है कि आपको इस तरह से अरेंजमेंट बनाना है कि आपको दो गेज आपके इंडिकेटर्स यानी अरेंजमेंट पे होना चाहिए ताकि आपको उसकी एक्यूरेसी की श्योरिटी हो, यानी इन बिटवीन अगर आपका प्रेशराइज करके गेज फेल हो गया यानी कि ऐसे कोई सिचुएशन है कि आपका गैस फेल हो गया या तो कुछ और प्रॉब्लम आ गया तो आप किसी एक गैस से काम चला सके, या तो आपको ये दोनों के रीडिंग से ये श्योरिटी आ जाती है कि जो आपने प्रेशराइज किया वो एक्यूरेट किया। तो इस तरह से बेसिक अरेंजमेंट जो है आपको इस तरह से करना है। तो आपका ये जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह से अरेंजमेंट करो, बेसिकली सिंपलिसिटी के लिए कुछ लोग ऐसे करते हैं कुछ लोग ऐसे करते हैं। तो बेसिकली क्या है आपको अरेंजमेंट किस तरह से करना है वो आप पे डिपेंड है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आप पे है, पर आपको इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि दो गेजेस लग सके इक्वल हाइट पे, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात आपको उनको वॉल प्रोवाइड करना है ताकि आपको चेंजेस वॉल गेजेस अगर चेंज करना हो तो वो आप कर सके। तो बेसिकली इस तरह से अरेंजमेंट आपको हाइड्रो टेस्ट या तो प्रेशर टेस्ट करते वक्त आपको ध्यान में रखना। तो बेसिकली ये प्रेशर गेज अरेंजमेंट के बारे में हमने इसलिए डिस्कस करके, काफी लोग को इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता होता, इसका काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी सेफ तरीका है कि इसी से आपको हाइड्रो टेस्ट या तो प्रेशर टेस्ट इसी तरीके से इसी अरेंजमेंट के साथ और इसी तरह के गेज सिलेक्शन के साथ करना चाहिए। अभी मैं आपको
लेट्स पैप ने कुछ रिसेंटली कुछ कोर्सेज लॉन्च, अगर आप फैब्रिकेशन से रिलेटेड काम करते हो और अगर आपको फैब्रिकेशन से नॉलेज लेना है, अगर आप चाहते हो कि आप कुछ सीखे, आप लर्निंग करना चाहते हो, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके, हमने रिसेंटली कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हुए जाके आप देखोगे, तो हमने पेशे रसल हेड पे 21 डेज का वीडियो कोर्स लॉन्च किया हुआ है, उसी के साथ हमने 70 डेज का फैब्रिकेशन लेआउटिंग पे भी वीडियो कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो आपको अगर इन दोनों कोर्स को, अगर आपको आपका फैब्रिकेशन का नॉलेज बढ़ाना है, तो आप अगर इन कोर्स को लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, तो वहां से इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं, या तो आप गूगल पे डायरेक्टली हमारे लेट्स पैप करके सर्च करोगे तो हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से वेबसाइट पे जा सकते हो और वहां पर और कोर्सेज या तो फैब्रिकेशन कोर्सेज वाले लिंक पे आप जाओगे, तो वहां से हम जितने भी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं उसकी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। अगर आप फैब्रिकेशन में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज भी ले सकते हैं, काफी डिस्काउंटेड प्राइस में काफी ज्यादा डाटा और वैल्यू फॉर मनी कोर्सेज हमने लॉन्च किए हुए। इसके अलावा हम लेट्स पैप ने काफी फ्री एप्लीकेशन जो कि फैब्रिकेशन फील्ड में यूज होते हैं, जिससे आप आपका टाइम कॉस्ट और एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, तो उस तरह का काम करने के लिए हमने काफी सारे एप्लीकेशन फ्री में पब्लिश किए हुए हैं। आप उनको हमारी वेबसाइट से जाके अवर एप्स के सेक्शन में जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, या तो आप उसको प्ले स्टोर से या तो एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप फेब्रिकेशन में काम करते हो, अगर नए हैं, तो आप इन सब का यूज करके आपका काफी टाइमिंग कम कर सकते हैं। और लास्ट में जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि आप हम इस चैनल्स में फैब्रिकेशन से रिलेटेड, पेशे रसल से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि इसके बाद भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको कमेंट कीजिए, और हमें नए नए टॉपिक्स आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।